Namaskar and a very warm welcome once again. Uh, you are watching us right now on our official uh, YouTube channel that is NCRT Official. I am Jyot Sawal with you. You are watching us uh, on uh, EVidya channel number 9 as well as uh, NCRT and uh, pme vidya channel number 9 also. Uh, so, our uh, today's topic is uh, gravitation part 1 and that is for uh, students of uh, class 9 and we have in the studios. मिस अनिता यादव वी हैव विद अस वेरी वॉम वेलकम मिस अनिता थैंक यू मैम ओके तो अपने आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन जिसका पार्ट वन जो है वो आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी आ, प्रश्न है हमारे चैप्टर से रिलेटेड तो यू कैन कॉल अस ऑन डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन और इसके साथ ही जो हमारा ईमेल आईडी है दैट इज डी टी एच डॉट क्लास नाइन सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन इस पर भी आप अपने क्वेश्चंस uh, जो हैं टॉपिक से रिलेटेड वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप अपने कोई व्यूज़ देना चाहते हैं ओपिनियंस देना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड या अगर आपके मन में कोई भी uh, uh, सवाल है क्वेश्चन है ईमेल के जरिए ना पूछकर तो आप हमारे uh, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके चैट बॉक्स में भी आप अपने ओपिनियंस या व्यूज़ या फिर अपने क्वेश्चन आप वहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने की तो फिर आइए अपने आज का जो हमारा चैप्टर है इसकी शुरुआत करते हैं uh, so, like uh, स्टार्ट है yes. yes, so, करने से पहले लेट मी रिमाइंड मी फोर्स क्या होता है किसी okay. भी बॉडी को किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए हम फोर्स लगाते हैं ये हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब आप एक एग्जांपल लीजिए आप एक बॉल को ड्रॉप कीजिए सर्टेन हाइट से जब वो बॉल ड्रॉप होती है इट कम्स टूवर्ड द अर्थ दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट उस पर कुछ फोर्स लग रहा है तभी वो नीचे आ रही है सेम एक एग्जांपल और लेते हैं एक बॉल लीजिए आप उसको थ्रो कीजिए अपर डायरेक्शन में एक सर्टेन हाइट में जाने के बाद वो नीचे की तरफ ज़रूर आती है क्यों होता है ऐसा दैट मस्ट बी समथिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इस चीज़ की डिस्कवरी की थी न्यूटन ने न्यूटन इस थ्योरी को लेके आए कि ये क्यों हो रहा है एंड दैट टर्म इज़ कॉइंड बाय द न्यूटन एंड दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन नाउ व्हाट इज़ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविट अट्रैक्शन होना ग्रेविटेशन कहलाता है नाउ एंड वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी अर्थ और किसी बॉडी के बीच में अट्रैक्शन जब होता है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटी सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड द ग्रेविटी अब बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई न्यूटन आपने स्टोरी पढ़ी होगी पहले न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा तो उन्होंने सोचा एप्पल नीचे ही क्यों आया वाई डज इंट गो इन अदर डायरेक्शन ऐसा क्यों हुआ सो so,

तो यहाँ पे ग्रेविटेशन सिर्फ दो बॉडीज के बीच में नहीं है इट ऑल्सो कम्स इन द यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लान अर्थ एंड द मून ऑल थिंग्स कम अंडर द ग्रेविटेशन नाउ वट वट इज वट इज सेंट्रिपिटल फोर्स आप बिफोर गोइंग टू द ग्रेविटेशनल वी शुड नो वट इज़ द देंट्रिपिटल फोर्स लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फर्स्ट take a thread and bind a stone on it take a thread and bind a stone on it and then move it in a circular direction so what will happen the body will move in a circular path and at each point its direction changes so at that point the direction is changing then there must be some acceleration Agar koi body move then the acceleration zarur hogi. और जब उसके अंदर एक्सप्लेरेशन आती है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रेपिटल फोर्स दैट इज सेंटर सीकिंग जो फोर्स हमारा सेंटर की तरफ लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स नाउ एज यू कैन सी इन द स्लाइड अ बॉय स्टैंडिंग देयर इट इज रोटेटिंग अ बॉल नाउ द फोर्स दैट इज़ एक्टिंग द सेंटर यू कैन सी माई कर्सर Uh, it is acting toward the center, and this is called the centripetal force. Now, what happens? If I release kar no, pe kya hoga? Kya wo thread, what will happen? Will thread What will it will go along the straight line. Now, in the next in the slide, you can see that the velocity is given in the direction. this. So, this is the tangent to a circle. The thread will fly off to a straight line. एंड देन स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन अगर हम उसको थ्रेड को रिलीज करते हैं तो जो थ्रेड होगी वो टेंजेंट बनाकर सर्कल के पॉइंट से निकल जाएगी अब जब वो निकलेगी वहाँ से तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए दैट फोर्स इज गिवन विज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाउ सेंट्रीफिटल फोर्स इज टूअर्ड द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे So we can say that centripetal force is balanced by the centrifugal force. So I hope it's clear. Yes. So, ma'am, uh, I have a question for yes, you. Yes, ma'am. Uh, why does not Earth falls into the Sun? Ah, uh, this is the reason. Gravitational force. The gravitational force is the reason that's why the Earth is constantly revolving around the Sun okay. and doesn't collide with each other. Hmm. If there is no gravitational force, because ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या दे रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वो वहाँ पे नहीं होगा द टू कोलिजन्स विल हैपन प्लानट विल कोलाइड विथ ईच अदर द अर्थ विल फॉल इन टू द सन एवरी थिंग विल कोलाइड सो दिस इज द रीजन द सन द अर्थ विल मूव अराउंड द सन एंड द प्लानट विच ऑल्सो मूव अराउंड इन देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स इन अ डिफाइंड पाथ दे नेवर कोलाइड ईच अदर i hope it's very clear to you now after that the gravitation after that gravitation there is universal law of gravitation what is universal the mathematical expression given by the newton so it says every object in the universe attracts every other object with a certain force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them आइए पहले इसको समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं लेट लेटेस्ट कंसिडर द टू बॉडीज ए एंड द बी द मास ऑफ द बॉडी ए इज द कैपिटल एम एंड द मास ऑफ द बॉडी बी इज स्मॉल एम एंड द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर इज डी डी विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड The force between the two objects is directly proportional to the product of their masses. So, mathematically, we write it F is directly proportional to capital M into small m. And the next one is the force between the two objects is inversely proportional to the square of distance between them. As you can see, 1 by d square is the inversely proportional. नाउ लेटस कम्बाइन द प्रीवियस टू इक्वेशंस सो वी गेट एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम इंटू एम बाय डी स्क्वेयर जब हम कॉन्स्टेंट का कोई साइन हटाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास आता है कैपिटल जी दिस जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड आवर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिकम एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाय डी स्क्वेयर तो जब आपसे पूछा जाएगा कि वट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सो यू विल राइट एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है दैट इज 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेज टू दावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आपको ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सो यू मस्ट नो 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन डेज टू दावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर नाउ दिस इज नॉट ओनली द क्वेश्चन नाउ हाउ टू फाइंड द एस यूनिट एज यू कैन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये कैसे आया आप ऊपर देखें इक्वेशन में फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में क्योंकि स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे और मास हम मेजर करते हैं किलोग्राम में तो इट बिकम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर सो यर जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता किस प्लेस पे है किस बॉडी पे है किस टाइम पे मेजर किया गया है इट इज कॉन्स्टेंट एट ऑल द्लेसेज आप जिस प्लेस पे भी आप जी को मेजर करते हो इट विल रिमेन द सेम इट डजेंट इफेक्ट बाय द साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी एंड एट द टाइम विच द फोर्स इज मेजर्ड यानी जिस टाइम पे आप किसी फोर्स को मेजर कर रहे हैं उसका अफेक्ट भी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट पे नहीं आता और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है I hope it is clear to everyone. Yes, uh, ma'am there is one more question. Yes, ma'am. If uh, mass of uh, one body is doubled. Yeah. Then uh, does the gravitational force also doubled or it will be half? Yeah, very, uh, let us uh, go to the slide first. Hmm. F is directly proportional to m into m by d square. This is our mathematical expression. If one of the mass is doubled, is it directly proportional? here? तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डबल हो जाएगा अगर किसी एक का भी मास डबल होता है, देन इट द फोर्स आल्सो बिकम्स डबल बिकॉज इनका रिलेशन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इफ द डिस्टेंस बिकम डबल द फोर्स विल गेट वन बाय फोर्थ बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेयर आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन यस नाउ लेट कम्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कौन एक्सप्लेन करता है कुछ चीज़ें जो हैं ग्रेविटेशनल लॉ ने एक्सप्लेन की हैं नंबर वन इज़ नेज यू कैन सी ऑन योर स्लाइड्स द फोर्स डेट बाइंड टू द अर्थ वो फोर्स जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है दैट इज़ एक्सप्लेन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नंबर टू द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ नंबर थर्ड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सेंट्रिपिटल फोर्स से रिलेटेड था ये भी द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन सो दीज आर द फोर्थ फेनोमिना ये दैट आर एक्सप्लेन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और आपके एग्ज़ाम में ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि इसके यूज़ कहाँ पर है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्या एक्सप्लेन करता है सो यू मस्ट नो ऑल द फोर पॉइंट्स द फोर्स दैट बाइंड टू द अर्थ द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ द मोशन ऑफ प्लानट्स अराउंड द सन एंड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन Now, let us come to the next topic before that I would like to solve a question for you related to the gravity universal law of gravitation. As you can see on my board the mass of the earth is 6 into 10 raised to the power 24 and the moon is 7.4 10 raised to the power 22 kilogram. If the distance between the Earth and the Moon is 3.84 into ten raised to the power five kilometer, calculate the force exerted by the Earth on the Moon. And the value of g is already given to you. जब equations solve करते हैं, ham given लिखते So first of all, we take the mass of Earth as the capital M, six into ten raised to the power twenty four kilogram. And the mass of the moon we will take small m that is 7.4 10 raised to the power 22 kilogram. And the distance I will take 3.84 into 10 raised to the power 5 kilometer. Now, here the distance is in kilometer. You have to change to the meter. For this, we multiplied by 1000 because in 1 kilometer, there is 1000 meter. Now, these things are given in the question. Now, what is the formula? As you can see on the slide, the formula is F is equal to G m into m by d square. Now, put all the values together 6.7 into 10 raised to the power minus 11 into 6 into 10 ki power 24. सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू बाय 3.84 थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन की पावर एट स्क्वायर बिकॉज इट्स स्क्र इन जिंदन डी का हमें स्क्वायर लेना है व्हेन यू सॉल्व द इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट इट जीरो टू पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन डेज टू ट्वेंटी न्यूटन रिमेंबर here the unit of force will be newton we are not writing the g unit we are writing the unit of force so it will be the newton i hope you can solve the equation easily at home you just have to multiply all these things and then divide by the 3.84 square so i hope it's clear to you it's very simple question you just have to first read the question and then write the given what is given in the question? For example, m small m d and g will always be given to you in the question. I hope it's clear. It's NCRT question, and you can try at home. The answer will be two point zero three into ten raised to the power twenty newton. Is it clear to everyone? I hope. Yes. Now. Sure. Let's come to next slide. now free fall what happens if earth is attracting everything so earth is attracting everything falling toward its. so what will happen the earth when earth attract everything toward its, due to the gravitational force the body will be in the free fall now let me give an example first suppose you are standing at a height and you are dropping a stone from here when you drop a stone from there वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो बिकॉज सिर्फ फोर्स लगा रहे हो उसको फेंकने के लिए उसको ड्रॉप करने के लिए वहाँ पे आपने कोई उसको वेलोसिटी नहीं दी है उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है ज़ीरो है जब कोई बॉडी की वेलोसिटी जीरो है देन इट कमिंग डाउन देन नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी और जो वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशन दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द बॉडी विल बी इन द फ्री फॉल जो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस से नीचे की तरफ गिरती है ड्रॉप होती है उस बॉडी को हम कहते हैं फ्री फॉल और उसके अंदर जो एक्सक्लरेशन आती है दैट इज़ द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाउ लुक एट द स्लाइड The Earth attracts object toward it due to gravitational force. When object fall toward the Earth, due to the earth's gravitational force, it is called the free fall. So it is clear now. The gravitational, when the object is falling toward the Earth, the acceleration is called the acceleration due to gravity. Now, what is the acceleration due to gravity? नाव लेट मी रिमाइंड यू द प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी लर्न एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट होता है मास और एक्सलेशन का क्योंकि यहाँ पे बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ रही है दैट ए विल बिकम जी सो आर इक्वेशन विल बिकम एफ इज इक्वल टू एम जी नाउ लुक एट द स्लाइड प्रीवियस स्लाइड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सक्लेशन दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए ये अभी मैंने बताया आपको लेकिन जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसके अंदर जो एक्सक्लेशन आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी सो इट विल बिकम एफ इज इक्वल टू एम जी नाउ एट द स्लाइड एफ इज इक्वल टू एम जी इज फ्रॉम द फ्री फॉल एंड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव लर्न जी एफ इज इक्वल टू जी एम इन टू एम बाई डी स्क्वेयर अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कीजिए इक्वेट करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एंड इट विल बी जी इज इक्वल टू जी एम बाय डी स्क्वेयर सो दिस स्मॉल जी इज आवर एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और इस स्मॉल जी की वैल्यू को डिफाइन किया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो जी जो है हमारी बेसिकली एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन नाउ इन द प्रीवियस इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू एस दिस इज द इक्वेशन वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर नाउ वेन द बॉडी इज फ्री फॉल जब किसी बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है मैंने भी बताया आपको ए विल बिकम द जी ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी जी आ जाएगा वहाँ पे तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं लुक एट द स्लाइड प्लीज वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी एंड द एस जो डिस्टेंस था इट विल बी हाइट नाउ एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थी वो इक्वेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट विल बिकम दीज थ्री ना वट हैपन वेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग टू व डाउनवर्ड्स सपोज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अगर हम किसी क्लिफ पे खड़े होते हैं बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो उस पर इनिशियल विलॉसिटी जीरो है तो उसकी विलॉसिटी जब ज़ीरो होती है और जब बॉडी किसी क्लिफ़ से नीचे गिर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो वो अर्थ की तरफ आ रही है उस टाइम पर उसकी जो एक्सक्लेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी है वो बढ़ रही है इसीलिए हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम g को पॉजिटिव लेंगे एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड आई हैव रिटन g इज प्लस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड वेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स जब किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं ऊपर थ्रो करते हैं द विलोसिटी विल डिक्रीज एंड द एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी आई एम अगेन रिपीटिंग स्मॉल जी विल बिकम Minus 9.8 meter per second square. So, when the body is falling upwards, it is minus 9.8 meter second square, and when it is falling downward, it is positive 9.8 meter per second square. I hope it is clear to everyone. Now, let us take an example of this. As you can see on the board, आई हैव टेकन अ न्यूमेरिकल हेयर अ कार फॉल्स ऑफ अ लेच एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड यू हैव गिवन द टाइम दैट इज़ टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड आप इसको वन बाई टू सेकेंड में लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से एंड यू जी इज गिवन टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए जी को टेन लिया गया है सिर्फ नाइन पॉइंट एट के बदले यहाँ पर टेन कर दिया गया है नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसकी स्पीड क्या होगी उसकी स्पीड क्या होगी जब नीचे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो मैंने आपको तीन इक्वेशंस लिखवाई हैं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना घर पे आपको ये बहुत इजी लगेगा करने के लिए यू मस्ट ट्राई इट एट होम बिल्कुल और मैम थैंक यू सो मच आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने इतना अच्छे से ये चैप्टर ग्रेविटेशन जो है हमारी क्लास नाइन के स्टूडेंट्स के लिए उसको एक्सप्लेन किया thank और डेफिनेटली आई एम रियली वेरी श्योर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमारा आज का चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आर स्टूडियोज मैम एक्चुअली आई हैव सम होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स स्टूडेंट सो यू कैन शो इट ऑन द स्लाइड प्लीज ओके so these are the questions the students can please try it at home these are very simple questions but please do try at home and thank you very much ma'am yeah thank you so much ma'am तो हमारे आज के प्रोग्राम में बस इतना ही आप बने रहिए हमारे एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार